आप देख रहे तेज खबर 24, मैं हूं आपके साथ विकास। रीवा में आज जिला प्रशासन व रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में ब्लड डोनेट करने वालों का भीड़ देखी गई। यहाँ जिला प्रशासन व पुलिस के अधिकारी व कर्मचारियों समेत समाज सेवियों के साथ साथ महिलाओं ने बढ़-चढ़ हिस्सा लिया है। सुबह 10 बजे से शुरू किए गए शिविर में दोपहर 1:30 बजे से रिकॉर्ड तोड़ 350 लोगों ने ब्लड डोनेट किया है। माना जा रहा है कि जिस तरह से शिविर में ब्लड डोनेट करने वालों की भीड़ है, उसमें यह आंकड़ा 500 के पार पहुंच सकता है। दरअसल आज रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में जिला प्रशासन एवं भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा रक्तदान के महाशिविर का आयोजन किया गया है। आयोजित शिविर की शुरुआत रीवा संभागायुक्त अनिल सुचारी, डीआईजी अनिल सिंह कुशवाहा, रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी, एसपी नवनीत भसीन सहित महिला पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के रक्तदान से की गई है। यहां समाज सेवियों के साथ छात्रों की भीड़ भी रक्तदान शिविर में अपनी सहभागिता निभाने पहुंची है। बताया जा रहा है कि दोपहर तक रक्तदान करने वालों का आंकड़ा 350 तक पहुंच गया है, जो देर शाम तक 500 के पार होगा। फिलहाल रक्तदान शिविर जारी है और यहां लगातार रक्तदान करने वाले लोग पहुंच रहे हैं। तो आइए जानते हैं रक्तदान करने वालों की क्या राय है। भैया, आपने ब्लड डोनेट किया, कैसा है और क्या महसूस है? जैसा कि आपने देखा कि आज एक विशेष अभियान के तहत पूरे रीवा ज़िले में इसके लिए काफ़ी पूर्व से तैयारियां भी की जा रही थी। कई सेमिनार आयोजित किए गए, कई गोष्ठियां की गईं और उसका परिणाम आज इतने व्यापक स्वरूप में हमको देखने को मिल रहा है। बेसिकली ब्लड डोनेशन के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए ये जो प्रोग्राम रखा गया था, आज काफ़ी संख्या में लोगों ने इसमें भाग लिया है। और मैं देख रहा हूँ कि हर समाज के हर वर्ग, हर क्षेत्र से भी रीवा में लोग आए हैं। आज इस कार्यक्रम में पुलिस ने भी अपना कंट्रीब्यूशन किया है, पुलिस कर्मियों को भी हमने मोटिवेट किया है और हमारा प्रयास है कि फ्यूचर में हम लोग रीवा ज़िले में लगातार इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते रहें, जिससे कि ब्लड डोनेशन की भ्रांतियों से दूर हो सके और ब्लड डोनेशन को बढ़ावा दे सके। लगाया गया टारगेट, नहीं ये बिल्कुल है ना, खुशी की बात है। रीवा में इतने जागरूक लोग हैं, लगातार लास्ट 15 दिन से हम लोग जागरूकता कार्यक्रम चला रहे थे। जिला प्रशासन, रेड क्रॉस सोसाइटी और सामाजिक न्याय विभाग और सामाजिक संगठन और शैक्षणिक संस्थाएं हैं, कितने भी कॉलेजेस हैं, उन सब के साथ है ना हम लोग बैठ करके ना लगातार चर्चा कर रहे थे। इसमें मीडिया को भी बहुत बड़ा रोल है कि लगातार है ना प्रशासन की बातें लोगों तक ना पहुँचाए हैं। आज ये देख के खुशी आ रही है कि अभी जस्ट आफ्टरनून तक ये ना हमारी 400 के ऊपर ना रजिस्ट्रेशन हो गया है और उसमें महिलाएं भी है ना मतलब इक्वल रोल निभा रही है कि 120 महिलाओं के ऊपर आकर यहाँ है ना रक्तदान किया है। हम सभी को भी पता है हमारे मेडिकल कॉलेज और कोविड के बाद अचानक हम लोग को बहुत सारे सर्जरीज है ना करना पड़ रही है। हर महीने हमारी 1300 to 1400 यूनिट्स को हमको ज़रूरत पड़ रही है। उस स्थिति पे हम ये इस प्रकार का ब्लड डोनेशन कैंप है, डेफिनेटली उन सभी लोगों को मदद मिलेगा किनकी भी है ना सर्जरी है ना स्कड्यूल हो रही है, फिक्स हो रही है और एक्सीडेंट है, गर्भवती महिलाएं हैं, हमारे तलसीमिया के ना पेशेंट्स हैं, उनको लगातार है ना ब्लड देने की ज़रूरत पड़ रही है। और एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म यंगस्टर्स के लिए भी बनेगा, बहुत युवा वर्ग भी है ना इसमें बढ़ चढ़ कर है ना उत्साह के साथ है ना ब्लड दे रहे हैं। हमारी ना पुलिस की ना लोग हैं वो आके दे रहे हैं, हमारी ना विभाग के कर्मचारी हैं एंड सामाजिक संगठन, व्यापारिक संगठन, मतलब मुझे बिल्कुल भी ये खुशी है कि मतलब सारे लोग एक प्लेटफॉर्म में आकर रीवा के लिए ना एक बहुत अच्छे सोच के साथ हम लोग कर रहे हैं। मुझे लग रहा है इसी प्रकार का सभी लोग मिलकर काम करेंगे तो और भी क्षेत्र में हम लोग ना अच्छा काम कर सकते हैं। उन्हें कितने भी लोगों ने रक्तदान किए हैं उन सबको है ना बधाई शुभकामनाएँ और भी लोग हैं इस कितने लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लगातार आप लोग अपने आप को प्रेरित हो और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करें, आप है ना आके ब्लड डोनेट करें और लोगों को लाइफ बचाने में इन्हें मदद में आए। देखिए ये रक्तदान महादान, इससे अच्छा कोई दान होता नहीं है।
और एक व्यक्ति के एक ब्लड जो 250 से लेकर 350 लिया जाता है, इससे तीन लोग की जान बचाई जा सकती है। उससे प्लाज्मा भी निकाल सकते हैं, उससे रेड ब्लड सेल भी आ सकते हैं और दूसरे काम भी आ जाता है। तो ये तो बहुत अच्छा चीज़ है और हर व्यक्ति को हर साल कम से कम दो बार दे सकता है और देना चाहिए। मैं लगभग हर साल देता हूँ, कोशिश करता हूँ मैं कि हर साल दे दे। तो इसलिए हर आदमी देना चाहिए, इसमें कोई ना वीकनेस आती है ना कुछ आता है और किसी न किसी की जान बचती है। इसलिए मैं तो सबको कहूँगा कि हर आदमी को देना चाहिए। हम लोगों की ज़िंदगी बचाते हैं और आज बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं और मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा आज का शिविर है बड़ा सफल शिविर है और जिसने रक्तदान किया है उनसे जब मैं बात करता हूँ तो बड़े प्रसन्नचित हैं। किसी प्रकार की कोई भ्रांति नहीं है लोगों में और आगे बढ़ बढ़ कर लोग आज अपना रक्तदान कर रहे हैं। खुशी की बात यह है कि बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं भी आज उपस्थित हुई हैं और लगभग 120 महिलाओं ने अभी तक रक्तदान कर दिया है। मेरे ख्याल से जो मुझे अभी बताया गया 350 लोगों ने अपना रक्तदान कर दिया गया है और आशा है कि हम लोग 500 से ऊपर आज जो रक्तदान में लोग उपस्थित हुए हैं 500 से ज़्यादा लोग आज अपना रक्त डोनेट करेंगे, यही उम्मीद है। और जिला प्रशासन को मैं और जो जिनने भी इस रक्तदान शिविर में भाग लिया है और अपनी भागीदारी निभाई है उन सबको मैं अपनी ओर से धन्यवाद भी देता हूं और उनके लिए मैं अपने ओर से आभार भी व्यक्त करता हूं।